स्वामी जी, आप इससे पहले कि उन विवादित विषयों की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि आपने संवाद की बात कर दी काशी मथुरा की, कहीं मैं बात कर लूँ, उससे पहले हम योग और आयुर्वेद की ही इस यात्रा की बात करते हैं। हमने ये देखा कि ऐसा तो नहीं है कि योग कोई आज की परंपरा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी ये कहा जाता था कि गुफाओं में, कंदराओं में, बड़े बड़े संस्थानों में जाकर ही योग सीखा जा सकता है। ये आपके जैसे योगी पुरुष की कृपा रही है कि आपने, जितने यहाँ पे दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं, मैं, ज्योत्सना, हमारे जितने जानने वाले हैं, उनके घरों तक, उनके ड्राइंग रूम तक योग को पहुँचा दिया है। तो ये योग की महिमा जो आपने घर घर तक पहुँचाई है, उसमें इन 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में आपने कितना संवर्धन देखा? देखिए, पहले एक बात ये होती थी, वैसे तो अम्बेडकर साहब के मैंने कई फोटो ट्वीट किए हैं योग करते हुए। अम्बेडकर साहब योग करते थे, नेहरू जी खुद योग करते, शीर्षासन करते हुए उनके आनंद भवन में अभी भी फोटो लगा हुआ है। इंदिरा जी खुद योग करती थी। मैं तो एक बात कहूँगा इसमें, थोड़ा सा मैं किसी बात को हंसी मजाक में कह देता हूँ, एक अलग बात है, जब तक कांग्रेस योग करती थी उसका राजयोग बहुत अच्छा था। और लोग पूछते अच्छे दिन कब आएंगे, मैंने कहा आप लोग योग करना शुरू कर दो, सारे राजनीतिक पार्टियों के भी दिन अच्छे आ जाएंगे। योग करने से दो काम होते, एक तो अपने मन में विचार भाव संवेदना अच्छे आते हैं, आप ज़्यादा पराक्रम से, शौर्य से अपना काम कर सकेंगे। अरे, देश में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए ना, तो योग करने से वो मजबूत भी बनेगा। मैं तो 100-100 बार दंड बैठक लगवाता हूँ, आप भी बहुत अच्छे से करते हो, सूर्य नमस्कार करवाता हूँ, तो सारा देश योग करना चाहिए। ये बात मैं कह सकता हूँ कि बहुत महापुरुषों ने योग को गौरव दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 177 देशों का समर्थन हासिल करके, इसमें मुस्लिम देश भी हैं जो भगवान को, धर्म अध्यात्म को नहीं मानते, ऐसे चाइना जैसे नास्तिक देश भी हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज भी हैं, ईसाई देश भी हैं, 177 देशों के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को करवाने का यूएनओ के माध्यम से। देखो, योग को घर घर पहुंचाने में भगवान ने हमको निमित्त बनाया, लेकिन वैश्विक पटल पर योग को गौरव दिलाने का काम मोदी जी ने किया, ये मैं कह सकता हूं। और उसको व्यापक स्वीकार्यता एक दिन से तो नहीं हो जाएगा, हर दिन को के लिए एक बड़ी भूमिका इंडिया टीवी ने भी निभाई, इसके लिए आपका भी अभिनंदन। देखो, बड़ी बात है ये, एक समाचार चैनल के ऊपर 2-2.5 साल से लगातार एक उपचार का कार्यक्रम चलाना, और वो भी पूरी शिद्दत के साथ, वैज्ञानिकता और प्रमाणिकता के साथ, तर्क तथ्य युक्ति के साथ, तो ये एक अच्छी पहल है। क्योंकि वैज्ञानिकता और प्रमाणिकता जी आप बात कर रहे हैं, पिछले जो 2 साल रहे कोरोना के, बहुत मुश्किल साल रहे, और उन 2 सालों में डॉक्टर्स ने भी ये माना कि कोरोना का शुरुआती तौर पर साइंटिफिक इलाज किसी को मिला नहीं, तो योग आयुर्वेद की महिमा को उन्होंने भी माना। और हर मंच से, हर कार्यक्रम में जब हमने डॉक्टर्स के साथ कॉन्क्लेव भी किए थे, तो उन्होंने कहा था कि प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम कितना जरूरी है, और इसी गोल्डन मिल्क पीना सिखा दिया। बिल्कुल, देखो एक बात तो मैं कहता हूँ, मैं पूरे देश दुनिया में घूमा हूँ, और कोरोना के समय एक दिन भी, क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ था तब से मैं लाइव चल रहा हूँ इंडिया टीवी पर भी, फिर आस्था चैनल आदि पर, तो मैं पिछले दो ढाई दशकों से चल रहा हूँ, एक दिन में मैंने ब्रेक नहीं लिया, एक दिन भी मुझे सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ, एक दिन भी पेट खराब नहीं हुआ। आज मैं करीब 25 लाख किलोमीटर पूरे देश में घूमा हूँ, कभी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। अच्छा, मच्छरों ने तो बहुतों ने मुझे काटा होगा, वैसे भी कुछ लोग मर के मच्छर बनते हैं, वो भी काटते हैं मुझे, डेंगू वाले, चिकनगुनिया वाले, स्वाइन फ्लू वाले, बहुत तरह के काटते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव को तो एक दिन भी कोई ना डेंगू हुआ, ना चिकनगुनिया हुआ, ना स्वाइन फ्लू हुआ। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कोई रोग नहीं होता, और योग से इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी बन जाती है, एकदम पक्की बात, एक बात एकदम। और इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको कोरोना भी होगा और भी प्रॉब्लम होगी। स्वामी जी, इससे पहले कि हम मन मस्तिष्क की शांति की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जो सामाजिक शांति है उसमें थोड़ा सा खलल आ रहा है, उस विषय पर पहुंचे। प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री कभी थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है, विदेश यात्रा में जाते हैं, वापस आते हैं, फिर काम संभाल लेते हैं, तो वैसे ही हर कोई, चाहे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे जो हमारे दर्शक हमें टीवी पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसा उन्हें इम्यूनिटी मिले, वो थके ना, रुके ना, उसके लिए कौन से 5 योगाभ्यास रोज करने चाहिए? तो एक तो 5 प्राणायाम बता दिए,
और आसनों में जो कर सकें तो शीर्षासन और सर्वांगासन कर लें। सर्वांगासन तो आप करो अभी जी। और फिर जो है ऐसे बैठे बैठे देखो, बैठ करके दो आसन कर लिए माना आपने, आगे झुके पद्मासन में आगे झुक गए, तो ये हो जाता है योग मुद्रासन। ऐसे अब इससे पेट एकदम अच्छा हो जाता है। पीछे झुके तो ये हो जाता है सुप्त पद्मासन। ऐसे कितना अच्छा है, इससे बॉडी का बैलेंस बना लेता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से। फिर ऐसे बैठ करके जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं सरल बता रहा हूँ, ये गोमुखासन। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी कुछ भी नहीं होता, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम। ऐसे बैठ के और इसी में कपालभाति कर लिया। अब ये है तो छोटा सा ऐसे, फिर उल्टे लेट करके, आप भी लेट जाओ ज्योत्सना जी। देखो आप लोग ना इसको 10 बार से शुरू करके और ऐसे इसको 50 बार तक किया करो। मैं 2 मिनट में 100 बार करता हूं, इसको थोड़ा फास्ट करता हूं तो धीरे धीरे करता हूं, तो ऐसे इससे 100 साल तक स्ट्रक्चरल बैलेंस आपका अच्छा रहेगा। कभी भी सर्वाइकल स्पोनाइटिस, पेन स्लिप, डिस्क, शाटिका, एंक्रोजिंग स्पोनाइटिस, कई तरह की तकलीफें होती हैं, मेरुदंड के रोग होते हैं, गर्दन कमर दुखती है, बहुत तरह की तकलीफें होती हैं। भुजंगासन लोग पहले 1-2 बार किया करते थे, मैं इसको कहता हूँ 100 बार तक कर सकते हो आप। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में ऐसे और थोड़ी जमीन पर, और श्वास भर के ऐसे उठाया ऐसे। अब मेरे तो थोड़े कपड़े इधर उधर लटक रहे, सुबह तो मैं नंगा हो जाता हूँ, यहाँ नंगा नहीं हो सकता माइक मुइक लगा रखा है ना, मतलब नंगा मतलब पूरा नंगा नहीं होता हूँ वैसे साधु तो नागा भी होते हैं लेकिन वो यहाँ टीवी मर्यादा में ठीक नहीं है। तो ऐसे भुजंगासन किया ऐसे और ऐसे, तो इसको ऐसे, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, लंग के लिए भी बहुत अच्छा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये बिल्कुल इजी योग है ऐसे। लेकिन स्वामी जी इसको फास्ट करना चाहिए ना तो ऐसे कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।